जॉर्डन बी पीटरसन ऑथर्स की दुनिया में एक ऐसे नाम जिन्होंने केवल 4 महीने के अंदर अंदर में अपनी बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ के 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड करवा दी है। वेल गाइस, इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 3 रूल्स फ्रॉम द बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ। और अगर आप लोगों को नहीं पता है यार, तो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं अब। अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा तो ये है वो वीडियो, जा करके देख लेना, लिंक कार्ड में भी हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हो जाएगा, जा करके देख लेना। इस वाले वीडियो में हमने आपसे बताया था, हमने आपसे कहा था कि आपको क्यों इस किताब को पढ़ना चाहिए एंड जॉर्डन बी पीटरसन है कौन। ओके, और हमने आपको बताया था कि अब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सीरीज़ ऑन दिस बुक। तो ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए हम लोग सीधा सीधा आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। हम लोग इस वाले वीडियो में पहले तीन नियमों को देखने वाले हैं फ्रॉम द बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये 3 नियम बेसिकली आपके नज़रों में आपका जो सेल्फ वर्थ है उसे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और वैसे भी गाइज, अगर आपको दुनिया में जीतना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर जीतना पड़ेगा, आपको खुद से जीतना पड़ेगा। ओके, एंड फॉर दैट ये 3 नियम बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। सबसे पहला यार, आपके बॉडी पोस्चर के बारे में। ओके, रूल नंबर 1 इज स्टैंड स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। ओके, आपको यार स्ट्रेट खड़ा रहना है और अपने शोल्डर्स को पीछे की ओर करके खड़ा रहना है। जब भी खड़ा रहो तो ऐसे रहो, अब ऐसा नहीं कि हर समय इसी तरीके से रहो, एकदम तंग करके रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पोस्चर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग और पावरफुल पोस्चर है। ओके, ऑथर बताते हैं इस वाले बुक के ज़रिए कि ह्यूमंस और एनिमल्स, इन दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। जब बात आती है डोमिनेंस की, जब बात आती है कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह की, तो इसमें ह्यूमंस और एनिमल्स बहुत हद तक सेम हैं। ओके, उन्होंने एग्जांपल दिया था लॉबस्टर्स का। गाइज, आप लोगों को पता होना चाहिए यार कि लॉबस्टर्स समुद्र में रहते हैं और समुद्र में हर एक जगह लॉबस्टर्स के रहने लायक नहीं होती है। कोई कोई जगह पर बहुत ही ज़्यादा सही वातावरण होता है लॉबस्टर्स के लिए, एंड देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पर लॉबस्टर्स नहीं सर्वाइव कर सकते हैं सही तरीके से। ओके, तो क्या होता है कि जब हम किसी एक लॉबस्टर को किसी एक टेरिटरी में डाल देते हैं, तो वहाँ पर का जो लॉबस्टर होता है वो तो यार यही चाहेगा ना कि वो जो दूसरा लॉबस्टर है, लॉबस्टर बी जो कि अभी भी आया है, वो मेरे टेरिटरी में आकर के कब्जा नहीं कर ले। ओके, तो उस समय क्या होता है यार कि उस समय दोनों लॉबस्टर्स के बीच में फाइट चलता है। ठीक है, लॉबस्टर जो पहले से यहाँ पर कर राजा है वो चाहता है कि हम अपने प्लेस को डिफेंड कर लें, और जो नया लॉबस्टर आता है वो चाहता है कि इस प्लेस के ऊपर हम अपना कब्जा कर लें। ठीक है, तो क्या होता है यार कि इन दोनों के बीच में फाइट होता है। अब इस फाइट का 4 लेवल होता है, या फिर कह लो 4 तरीके से 4 स्टेजेस में इन लॉबस्टर्स के बीच में फाइट होता है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेज होता है उसमें साइज़ के अकॉर्डिंग फाइट होता है। मतलब जो लॉबस्टर जितना बड़ा है, अगर मान लो कि लॉबस्टर ए थोड़ा कम साइज़ में और लॉबस्टर बी थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ का है ना, तो लॉबस्टर ए डर जाता है और ये खुद ब खुद छोड़ के निकल जाता है लॉबस्टर बी के लिए, क्योंकि लॉबस्टर बी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, वो डरा सकता है। दूसरा, ये दोनों अगर सेम साइज़ के हुए, अगर दोनों लॉबस्टर सेम साइज़ के हुए, तो ये दोनों के दोनों जो लॉबस्टर्स हैं ये एक दूसरे को थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं, आगे पीछे होकर के, ठीक है, डराने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात इससे भी नहीं बनता, ठीक है, अगर बात यार इससे भी नहीं बनता है, दोनों में से कोई भी लॉबस्टर डरता नहीं है, तो इन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाता है। और ये फाइट बेसिकली किसी भी लॉबस्टर को उल्टा करके जीत जाने का फाइट होता है। मतलब जिस भी लॉबस्टर ने दूसरे लॉबस्टर को उल्टा कर दिया वो जीत जाता है। ओके, और अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होता है। इस फाइट में ये दोनों एक दूसरे को अच्छे खासे डैमेजेस भी पहुँचाते हैं। ठीक है, और जो विनर लॉबस्टर होता है वो पूरे के पूरे टेरिटरी को भी ले लेता है, और अपने अपोजिट जेंडर वाली जो लॉबस्टर्स वगैरह होती हैं उन लोगों को भी अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, और उन लोगों के साथ जो सर्वाइवल वगैरह होता है वो भी बहुत ही हद तक आगे, उन लोगों का भी बेटरमेंट हो जाता है, और आने वाले लॉबस्टर्स की जो स्पीसीज़ वगैरह होती है वो भी अच्छी रहती हैं। ठीक है, जो लॉबस्टर जीतता है उस लॉबस्टर के ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। उस हैप्पी हार्मोन को हम लोग सेरोटोनिन बोलते हैं। अभी बताएं, सेरोटोनिन अगेन गाइस एक हैप्पी हार्मोन है जो कि आपके नर्व्स को रिलैक्स करता है और आपको एक विनर की तरफ फील करवाता है और आपको कॉन्फिडेंस से भर देता है। ठीक है, वहीं दूसरे तरफ यार, जब वो दूसरे लॉबस्टर, क्योंकि एक लॉबस्टर हारा भी तो है ना यार, तो जो लॉबस्टर हारा है वो लॉबस्टर के दिमाग में एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, जो लूजर हार्मोन भी आप लोग बोल सकते हो, जो ऑक्टोपामाइन के नाम से जाना जाता है, और इसके जरिए यार आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर में भी क्या होगा यार कि जो वो हारा हुआ लॉबस्टर है, मान लो कि भाई ए लॉबस्टर जो हार गया था
वो अब किसी दूसरे फाइट में भी जाएगा तो उसका जो ऑक्टोपामाइन लेवल है वो हल्का रिलीज होता रहेगा, ठीक है, और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है गाइस वो गिरा रहेगा, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है यार कि जब वो दूसरे फाइट में जाएगा तो वहाँ पर भी वो हार का सामना कर सकता है, राइट। वहीं दूसरी तरफ जो बी लॉबस्टर था जो कि जीत गया था, ठीक है, विनर लॉबस्टर जो था उसके दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज हुआ था और अब ये कंटिन्यूसली रिलीज होते रहता है, ओके, उसे कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि पहली कि उसने अपने पोस्चर वगैरह को सही रखा था और दूसरा क्योंकि वो जीत चुका है तो विनर है वो, ओके, वो ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है गाइस, अब उसके पास कॉन्फिडेंस है दूसरे मैच को भी जीतने का, ठीक है। पूरी तरीके से बात हम लोग इसके ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि केवल कॉन्फिडेंस होने से आपका जीतना निर्भर करता है या नहीं, लेकिन एक बहुत ही हद तक कॉन्फिडेंस एक अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, एक बॉडी पोस्चर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो उसके पास यार अभी बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कॉन्फिडेंस, विल पावर, कि वो दूसरे फाइट्स को भी जीत सकता है। बॉडी पोस्चर के यार खेल को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, मान के चलो यार एक एग्जांपल के तौर पे ले लो यार कि जब आपका थोड़ा मूड ऑफ रहता है या फिर किसी भी पर्सन का जब मूड ऑफ रहता है, मान के चलो हमारे पास तीन लोग हैं, ठीक है, एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास है, दूसरा नॉर्मल है और तीसरा बहुत ज़्यादा खुश रह रहा है, तो आप अगर उन तीनों पर्सन को देखोगे तो आप बता सकते हो कि कौन कैसा फील कर रहा है, किस तरीके से, आप भगवान तो नहीं, आप उसके बॉडी पोस्चर को देख करके बता सकते हो ईजिली, ठीक है। जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुश होगा उसका बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होगा, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड होगा उसका बॉडी पोस्चर भी बहुत ही ज़्यादा सैड होगा, और जो पर्सन नॉर्मल होगा उसका बॉडी पोस्चर नॉर्मल होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो गाइज अब बात यहाँ पर आता है कि आप इस चीज़ से फ़ायदा कैसे ले सकते हो। गाइज जिस तरीके से आपका मूड डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके पोस्चर को, अगर आप खुश हो तो फिर आपका जो पोस्चर है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आपका जो पोस्चर है वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। सिंपल यार उसी के तरीके से सिमिलरली क्या होता है ना कि जब आपका बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव वाला रहेगा या फिर जब आपका बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, ओके, तो आपका जो मूड रहेगा वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन अपने आप रिलीज होने लगेगा। इस यानी जब हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है तो हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है वो हल्का कॉन्फिडेंट वाला हो जाता है, कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं हम लोग, और जब हम लोग कॉन्फिडेंस वाले पोस्चर में आते हैं तो भी हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग वापस से कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो गाइस अब ये बात हमको बताने की ज़रूरत नहीं है दैट एक अच्छा बॉडी पोस्चर कितना ज़्यादा मैटर करता है या फिर एक बुरा बॉडी पोस्चर भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। अगर आप एक बुरे बॉडी पोस्चर लेकर कहीं भी निकलते हो तो आपके लॉस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आप एक बहुत ही अच्छा बॉडी पोस्चर में रहते हो तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यार कि आप एक विनर बनने वाले हो, ठीक है। तो ऑथर कहते हैं कि आपको कभी भी जब आप खड़े रहो, ओके, तो आप अपने शोल्डर्स को बैक ले जाओ, ओके, शोल्डर्स को पीछे कर लो, कंधों को पीछे कर लो और चेस्ट को आउट रखना और स्ट्रेट रखो खुद को, ठीक है। और मेरे तरफ से एक प्रोटिप ले लो यार, अपने चिन को और गले के बीच का ये जो तुम्हारा एंगल है वो 90 डिग्री अगर बने तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। थैंक यू बोल देना कमेंट सेक्शन में अगर प्रोटिप पसंद आया हो तो, बाकी क्या ही कर सकते हैं, लाइक तो कर ही देते हो वीडियो। बाय द वे यार एक बात कहना था दैट हम लोगों ने अपना 150 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट था सबसे पहला वो पूरा कर लिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब हम चाहते हैं यार कि आप लोग जितना मदद कर रहे हो यार उतना करते रहो और अब 200 तक लेकर के आओ, ठीक है, जल्द से जल्द यार 200 तक लेकर के आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल के लिए, तो करते रहना यार। वेल गाइस यार वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है तो जो इसका अगला पार्ट है, हम एक काम करते हैं यार, हम सारे के सारे वीडियोस में जितना रूल्स हो सके उतना बताते जाएंगे, ओके, इस वाले वीडियो के लिए पहला रूल काफ़ी था। अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रीट योर सेल्फ, जिसके ज़रिए आपका जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा।